मंदिर में आज बड़ी भीड़ है। इस मंदिर में स्पेशल दर्शन भी नहीं है। ए माँ, ये फैंसी ड्रेस के बिना अंदर नहीं जा सकते क्या? आज पापा का जन्मदिन है ना, तो कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत है? हे नितिन, हाँ? वाओ, यू आर लुकिंग सो क्यूट। अरे यार, यहाँ भी आ गई। क्या नितिन? ए, तेरे तो बहुत फॉलोअर है। अरे काहे की फॉलोइंग यार, ये सब धोती की महानता है। अगर कोई फॉलो कर रही होती तो अब तक घर में आ चुकी होती, मगर कोई है ही नहीं। हेलो, मैं किसी को भी ऐसे ही घर में नहीं आने दूंगा। घर में एंट्री के लिए पहले हार्ट में एंट्री चाहिए। तो वहाँ कब होगी? सुनिए, ये कहाँ जा रहा है? लगता है बहू की एंट्री हो गई। अरे बेटा, तुम? मैं? हाँ, तुम? आप? अरे मुझे नहीं पहचाना, उस दिन ट्रेन में एक लड़की को बचाया था तुमने। ओके। अरे रुको तो सही बेटा, उस दिन कितनी अच्छी अच्छी बातें कही थी तुमने। मैंने? अच्छी बात नहीं? Are you sure? बेटा, मूर्ति जी के बारे में क्या सोच रहे हो? वो किसी की झूठी तारीफ करें, ये मैंने आज तक नहीं सुना है। अच्छा। अरे ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इस मंदिर के ट्रस्टी भी है। अरे बस करो, मेरे बारे में नहीं, इस महापुरुष के बारे में बात करो। कितना पकाएगा यार। इस समाज में हर युवा को कैसे रहना चाहिए कितनी अच्छी तरह से बताया तुमने। सुनो बेटा, एक बार उस दिन जो तुमने बातें बताई थी वो इन सबको भी बता दो ना। सर, एक हफ्ते पहले की बात थी, कैसे याद रहेगी? एनीवे, नाइस मीटिंग यू। अरे अरे बेटा, तुम जा कहाँ रहे हो? बात तो सुनो, आजकल के नौजवान तुम्हारी बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तुम्हारा एक एक शब्द वजनी था। बाप रे, सच कह रहा हूँ सर, मुझे याद नहीं है। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारी बातों में जुनून था। मूर्ति जी, प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे जाना है। कहाँ जाना है? अब जब मिल ही गए हो तो इस मंदिर में तुम्हारा एक छोटा सा सत्कार करने दो। क्या? सत्कार? अरे साथ में मुंडन भी करवा दीजिए। वहाँ मेरे पेरेंट्स लाइन में खड़े होंगे। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। तुम्हारे माता पिता लाइन में क्यों खड़े होंगे? ये मंदिर अपना ही है बेटा। चलो, तुम सबके स्पेशल दर्शन करवाता हूँ, चलो मेरे साथ। सर सर सर, कोई मिलने आ रहे? वो तुम देख लो ना। मेरी बात नहीं सुन रही है सर। ठीक है, सॉरी बेटा, मेरा आदमी तुम्हारे साथ जाएगा, सब देख लेगा, ठीक है? लेकिन बेटा, जाने से पहले तुम्हारे माता पिता को मुझसे जरूर मिलवाना। इनके साथ जाओ। चलिए सर, चलिए। अरे रुकिए, मैं चलता हूं। उस तरफ जाना है। अरे घबराइए मत, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। देखिए सर, मना मत कीजिएगा, प्लीज सर। नहीं बेटा, लोग यहाँ मंदिर में शांति के लिए आते हैं, यहाँ डांस क्लासेस चलाने से भक्तों को डिस्टर्बेंस होगा। प्लीज। देखो बेटा, इससे अच्छी तरह समझाना मुझे नहीं आता, अब बहुत हो गया, जाओ। चलो, ऐसी छोटी छोटी बातें मुझ तक लाते ही क्यों? पापा, मैं जा रहा हूं। सुखी रहो, सदा सुखी रहो, तथास्तु। एक बार और सुखी रहो। पर तो ऐसे अचानक क्यों चला गया? लड़की के लिए और भला किस लिए? सुनिए, पवित्र मंदिर में बेटे पर अपवित्र आरोप मत लगाइए। इसी से पूछ लो ना। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा वैसा मम्मा? नहीं है। हाँ। देखा, माँ की आंखें हमेशा संतान पर होती हैं और बाप की आंखें संतान की हरकतों पर। क्यों रे, दिल में तो लड़की ने एंट्री कर ली है, अब घर में कब कराएगा? सुनिए, मेरे बेटे का मजाक मत उड़ाइए। मेरा बेटा चाहे तो शाम तक उस लड़की को चुटकी बजाते घर ले आएगा। थोड़ा वक्त दोगी कि नहीं? केबल का कनेक्शन है क्या कि शाम तक लग जाएगा? एक हफ्ते में लेकर आ जाऊंगा। अच्छा, चैलेंज चैलेंज चैलेंज। सुनिए जी, उसे यहाँ एक लड़की पसंद आ गई है और आप इस तरह उसका मजाक उड़ा रहे। ऐसी चिंगारी से ही तो आग लगती है भगवान। कल इस तरफ एक और रेलिंग लगा देना, ठीक है? ए भगवान, इसने पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। प्रसाद। हाँ? पापा, चलिए चलिए। नहीं, जल्दी किस लिए? चलिए ना, मैं बाद में बताता हूँ। माँ चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। अरे क्या हुआ ये तो बताओ। बहुत बड़ा घपला है। क्या लड़की है?
कल क्लासिकल डांस सिखा रही थी और आज कराटे सिखा रही है। जितनी बार नजर आती है सरप्राइज करती है। होल्ड ऑन, आई एम कमिंग। अरे बेटा तुम, हे भगवान, आप यहाँ? तुम्हारे दर्शन की उम्मीद ही नहीं थी मुझे। हाँ सर, मैंने भी नहीं सोचा था। कल अचानक कहाँ गायब हो गए थे? कल किसी काम से जाना पड़ा था, पर आज वापस आ गया हूँ ना। सेंस ऑफ ह्यूमर। फ्रेंड्स, जानते हो ये कौन है? बस कीजिए सर, मुझे आप जानते हैं, ये कैसे पहचानेंगे? अच्छा देखोगे? हाँ फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन फ्लाइट। ट्रेन पावर स्टार सुना है, सुपर स्टार सुना है, आखिर में बर्निंग स्टार भी सुना है, ये ट्रेन स्टार क्या होता है? एक और सरप्राइज देखोगे फ्रेंड्स। डायलॉग, सोने और बैंक बैलेंस को जो इम्पोर्टेंस देते हो, वही इम्पोर्टेंस देश की बहू बेटियों को बचाने को क्यों नहीं देते? देश तुम पर फक्र करेगा, नाच करेगा। अरे लड़की चली गई। सर क्या हुआ बेटा? अरे एक्सरसाइज कीजिए ना बेटा। बेटा नाम क्या है आपका? तुझे क्यों बताऊं? अच्छा तो तू इस टाइप का है, दिखाता हूँ तुझे। हेलो सर, विनायक बोल रहा हूँ। सर वो फिल्म में हीरो का बचपन का कैरेक्टर करने के लिए बच्चा मिल गया, लेकिन वो अपना नाम नहीं बता रहा है। ए भाई, ए ऐसा मत करना भाई, ये नाम बता रहा हूँ ना, ये मेरा नाम सलमान है भाई। सर सलमान है सर, वन मिनट सर, उठ जा। बोलो भाई। तेरे टीचर का एड्रेस बता। अरे मेरा पता पूछना टीचर का काई को। हेलो सर, विनायक बोल रहा हूँ। बता रहा हूँ। रोड नंबर 11 सागर सोसाइटी। गुड बॉय। भाई क्या ऑडिशन के लिए कब आओ? ऑडिशन देगा तेरी तो। ए कूल जा स्कूल चल। ए भाई क्या? मैंने तुझे गलत एड्रेस बताया। ए रुक। ए सलमान पापू, इतना लेट क्यों आया? पगार काट दूंगा। ए बोल बच्चन, जल्दी बैठ। सॉरी भाई, प्लीज मुझे एड्रेस बताइए ना। 2000 निकाल। अबे उससे पैसे क्यों मांग रहे? आप चुप कर रहे बिजनेस से। निकाल। बताओ ना। मैंने पहले से ही एड्रेस बताया था। डैडी आज की कमाई मेरे पे क्या है बेटा? हे मिल गया एड्रेस, चल भाग। रेन ड्रॉप्स अपार्टमेंट्स। भैया मैं तो सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। 500 रुपये बहुत ज्यादा है भैया, थोड़ा डिस्काउंट दो ना। क्या सोच रहे हो तुम लोग? क्या सोच रहे हो खुद के बारे में तुम लोग? यहाँ तुम लोग अकेले ही लवर्स हो? ए, सिर्फ इसी शहर में जहाँ देखो हर बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट के तौर पर हर दिन ड्रेस, दो दिन में पार्टी, हफ्ते में सेलफोन, महीने में छुट्टी और साल में गाड़ी देने के लिए रेडी होकर भूत की तरह घूम रहे एक कोने में। ए सर, हाँ हो गया सर। भाई फिर हमारा क्या होगा? जाइए सर, सिग्नल ले जाइए, लाइसेंस है ना। ऐसे टाइम पे जब ब्यूटीफुल गर्ल्स रहती है ऐसे अपार्टमेंट में वॉचमैन का काम करते हुए, उनके टाइमिंग और पसंद ना पसंद के बारे में कीमती इन्फॉर्मेशन देकर लाइन क्लियर करता हूँ और मेरी 500 रुपया फीस तक नहीं दे सके तो गर्लफ्रेंड को क्या खाक झेलोगे? तुम जैसे कड़के लोगों के लिए दोस्ता नहीं सही है। गेट लॉस्ट, आई एम ऑन ड्यूटी, चलो कल्टे। पैसे नहीं तो गर्लफ्रेंड नहीं, सीधी बात है। रमेश कौन है? तू कौन है बंटा है? मेरे को बोला है। काम बोल। यहाँ वो नंदिनी, वो म्यूजिक टीचर है। नहीं नहीं, वो टाइमिंग पूछ रहे हैं विनय टीचर का। नहीं नहीं नहीं, वो कराटे टीचर जो है। छह बजे। वो 6 बजे क्या? मतलब वो लड़की। नो फ्री सर्विस सर, ओनली 500। हाँ श्योर, इतनी हेल्प कर रहा है, 500 रुपए तो बनता है। ये ले। ये तो बहुत अच्छा बकरा मिला है, पूरा हड़प लेता हूँ। सर पौवा या आधा मतलब इन्फॉर्मेशन फुल चाहिए? तो फिर 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। ओ, 1000 रुपए चाहिए? ठीक है, 500 का नोट दे दो। मैं 1000 का नोट देता हूँ। ओके सर, हफ्ता भर पीऊंगा आपके नाम पे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। ये बकरा तो बिरयानी के काम आने वाला है, हलाल कर दूंगा। ये लो। सर बोले तो ये देख के मुझे कुछ धुंधला सा याद आ रहा है सर। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो धुंधला पर हटा दूं तो कुछ और दो ना सर। क्या कर रहे हो तुम भी यार, कसम से। किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, ऊपर वाला बदल सकता है। तो 5-10 की 15 ले ले। लगता बैंक चोरी करके आया है। ये लो। अरे इतने सारे नोट बापू।
बाबू यूर ग्रेट सर। टाइमिंग नोट करो, मॉर्निंग 6 to 7 कराटे क्लास, 7 to 8 एरोबिक क्लास, 8 to 9 भरतनाट्यम, 9 to 10 बजाते रहो, 10 to 11 सितार वादन, आईएएस और आईपीएस स्पेशल क्लासेस सर। इस तरह सारे दिन क्लासेस ही देते रहती है। आ रही है सर, मेरा क्लास नहीं ले ले। चली गई ना, पीछे रुकी तो नहीं है? चली गई सर। आज तो मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ, लेकिन आप जैसे 2-3 बकरे आप जैसे 2-3 कस्टमर मिले ना, तो ऐसे 2-3 फ्लैट खरीद कर बड़ा वॉचमैन बन जाऊंगा सर। थैंक यू सर, चलता हूँ। क्या बात है यार, ये तो मल्टी टैलेंटेड है, डार्लिंग है। ये कौन है जो अपनी छावी को फॉलो कर रहा है? क्या रे, उसको फॉलो क्यों कर रहा है? मैं? नहीं नहीं, नो वे। अच्छा, आप वन अंधा है क्या? कब से देख रहा हूँ। ट्रस्ट मी ब्रो, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, एक लड़की को फॉलो कर रहा हूँ, चाहो तो देख लो। झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं भाई। अच्छा, सच सच बता, क्या चाहता है तू? भाई शपथ भाई, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक लड़की में, वो वहाँ है ना। आप उन उसी लड़के की बात कर रहा है? नो, मुझे लगा तुम खुद की बात कर रहे हो। हाँ ब्रो, मैं उस लड़की को फॉलो कर रहा हूँ। तेरे से पहले हम लोग वेटिंग लिस्ट में है, समझा? मतलब आप भी उस लड़की को? हाँ, हम भी उसे फॉलो कर रहे हैं। Awesome bro, क्या बात है, आप दिखते ठीक ठाक है पर आपका टेस्ट कमाल का है। इतनी टैलेंटेड लड़की की थोड़ी बहुत फॉलोइंग तो होनी ही चाहिए, है ना? इसलिए मैं भी फॉलो कर फॉलो करना छोड़ दे। ये क्या ब्रो, आपको फॉलो करने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप भी करो, देखते हैं क्या होता है। मतलब तुम मानेगा नहीं? मैं मानना नहीं चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? मैं कहूंगा तो आप मानेंगे क्या? Hey, सीधे सीधे कह रहा हूँ, उस लड़की को छोड़ दे वरना। ओके माय डियर ब्रदर्स, आज से तुम लोग उस लड़की को फॉलो करना बंद करो। ये क्या ब्रो, इसी लैंग्वेज में बात करना था तो पहले ही बोल देते। ओ अच्छा, आ बात कर। सॉरी ब्रो, इस लैंग्वेज में जब गाली देता हूँ ना तो बहुत कस के पड़ती है। ए, ट्रेलर देखने के बाद भी तुझे पिक्चर देखनी है? ठीक है, आजा। हाउसफुल हुआ तो बाद में मत कहना। ए बंटी, तेरा दिमाग स्लो है क्या? वो फिल्म का रिव्यू दे रहा है यार, देखो। बेटा झापड़ को क्या रेटिंग दोगे? 5। फाइव स्टार्स मिले यार, 5 स्टार्स। स्टार्स दिखा दूंगा तुझे तेरी तो। चल भाई अपनी जान बचा के निकल लेते हैं, भाग। वो लोग तो समझदार निकले, तू तो बेवकूफ ही रहेगा। नमस्ते जी। ओवर एक्टिंग बंद करो। अरे आपके टैलेंट के आगे ये कुछ भी नहीं है। पॉइंट पे आओ। सरस्वती देवी के 4-5 हाथ हैं, फिर भी वो एक ही वीणा बजाती हैं। आपके सिर्फ 2 हाथ हैं, फिर भी आप कितनी कलाएं सिखाती हैं, कितने बच्चों का भविष्य सुधारती हैं। नंदिनी जी आप बहुत ग्रेट हैं, आप जैसी आर्टिस्ट के साथ एक कप कॉफी पीना मेरा एम्बिशन है, सो प्लीज। ये सब तुम्हें कैसे पता? तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? बापरे, चाहे आपका जितना भी बड़ा फैन हूँ, जितना आप घूमती है उतना मैं नहीं घूम सकता। वो तो सुबह मंदिर, शाम को गार्डन, बीच में थोड़ी सी कॉफी, काफी है जिंदगी के लिए। तो आपके साथ एक कप कॉफी पी सकता हूँ? कॉफी तो क्या, पानी भी नहीं पीऊंगी, गेट लॉस्ट। अरे इतने नखरे ना करे तो वो सेलिब्रिटी कैसे कहलाएगी? ओके।